पांच ऐसे मिस्टेक्स जो लोग करते हैं व्हाइल लर्निंग वेब डेवलपमेंट, और अगर आप इन मिस्टेक्स को करते हो तो आपकी लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत और भी लंबी हो जाएगी और आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर ये पांच मिस्टेक्स नहीं करते हैं, जो होपफुली इस वीडियो के बाद आप नहीं करोगे, देन आपकी प्रोग्रेस जो है वो 10x हो जाएगी। एंड गाइस, जो पांचवी मिस्टेक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू नो अबाउट दैट। सो द नंबर वन मिस्टेक इज ट्राइंग टू लर्न टू मेनी थिंग एट वंस। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मल्टीपल चीजें एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अभी रिएक्ट सीख रहे हैं, उसके साथ नोड एक्सप्रेस भी सीख रहे हैं, अभी जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, उसके साथ पाइथन भी सीख रहे हैं, अगर HTML CSS कर रहे हैं तो साथ में कुछ और भी कर रहे हैं। गाइस, आपको ये समझना होगा कि ह्यूमंस आर नॉट ग्रेट एट मल्टीटास्किंग। तो एक समय पे अगर आप पांच लैंग्वेजेस सीख रहे हो ना, तो आपका आप स्कैटर्ड रहोगे और आप एंड में कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। बेटर आइडिया ये होगा कि आप हमेशा एक चीज को पकड़ें और उसको एक को ही कंप्लीट करें जब तक कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर लेते। एग्जांपल के लिए, अगर आप CSS सीख रहे हो, तो जब तक आप CSS नहीं सीख जाते, प्रोजेक्ट्स नहीं बना लेते, कुछ और मत करो, सिर्फ उस पे टाइम दो। सिमिलरली, अगर आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट ही करो, और रिएक्ट कर रहे हो तो रिएक्ट ही करो। सेकंड मिस्टेक व्हिच अ लॉट ऑफ बिगिनर्स मेक इज नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो क्या करते हैं कि वो कोड लिख लेते हैं, ठीक है, सिंटैक्स समझ लेते हैं, चीजें रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट प्रैक्टिस नहीं करते। और जब मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं ना, तो अगर आप यूट्यूब पे किसी का कोड देख देख कर उसको कॉपी कर रहे हो, तो उसको प्रैक्टिस नहीं बोलते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप एक्चुअल में जो कोड आपने लिखा है, बाद में उसको आप लिख रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आप चीजें कर रहे हो, तो प्रैक्टिस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मेरी फिलोसॉफी है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ पर्सनल ट्रेनिंग में, यू शुड बी पुटिंग 80% ऑफ योर टाइम ऑन एग्जीक्यूटिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड 20% टाइम लर्निंग द थ्योरी एंड जस्ट लर्निंग। ओके, सो रिजल्ट्स जो आने वाले हैं वो आएंगे आपके उस 80% टाइम से, जहां पे आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और जहां पे आप चीजें प्रैक्टिकली कर रहे हैं। एंड गाइस, चेक आउट माय फ्री वर्कशॉप ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेव करियर एंड स्टार्ट मेकिंग मनी इन नेक्स्ट 90 डेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड लेट्स कंटिन्यू। थर्ड मिस्टेक इज कॉपिंग कोड विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। तो आज का समय ChatGPT का समय है, और लोगों को लगता है कि ChatGPT है, हम कोड को यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे, हमें कोड मिल जाएगा, हम इसे कॉपी कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। वो करना ठीक है, बट जब आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे, जब आप कोई प्रॉब्लम फेस करोगे, तब आपको वो चीज खुद को सॉल्व करनी आनी चाहिए। मैंने भी लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था कि जब भी कोई पायलट फ्लाइट को उड़ाता है, जब भी प्लेन को उड़ाता है, तो वो ऑटो पायलट पे उसको कर देता है, बट इट डजंट मीन कि उसको उस प्लेन को चलाना नहीं आता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा कि जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आप ChatGPT का तब यूज करो, जब आप कोड को तब कॉपी करो जब आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। आई यूज ChatGPT, आई यूज अदर टूल्स टू डू ऑल द स्टफ, बट आई अंडरस्टैंड एवरी सिंगल लाइन ऑफ कोड कि वहां पे क्या हो रहा है। तो अगर आप एक बिगिनर हो, तो आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू यूज ChatGPT। ChatGPT को यूज करो चीजें सीखने के लिए, ना कि प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, ना कि कोड को कॉपी करने के लिए। फोर्थ मिस्टेक इज गेटिंग स्टक एंड गिविंग अप इजीली। गाइस, आपको समझना होगा कि कोडिंग इज अ टफ गेम, और अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो आप बहुत जगह अटकोगे, और अगर कहीं आप अटकते हो और इजीली गिव अप कर देते हो, तो आप कभी डेवलपर नहीं बन पाओगे। तो मैं बोलता हूं कि यू नीड अ थिक स्किन, आपको मोटी चमड़ी चाहिए, आपको ये जो फेलियर्स हैं उनसे आपको निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा, फिर से ट्राई करना होगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। एंड दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग आस्क फॉर हेल्प, आप हेल्प लो, एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड हैविंग सम काइंड ऑफ मेंटरशिप which I also give, and I'm not just talking about myself, you can ask mentorship from other people as well, okay? By the way, I'm having this free workshop, मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि how you can even take mentorship from me and you can take my help to get you started fast on this web development journey. So guys, always ask for help. अगर कहीं अटक रहे हो, कहीं issue हो रहा है, कहीं problem हो रहा है, हमेशा 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 ask for help, क्योंकि you cannot win इन दिस जर्नी अलोन। आपको हेल्प लगेगी, आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे, आप फेलियर्स को फेस करोगे, और वहां पे क्विट करना ऑप्शन नहीं है, वहां पे आस्किंग फॉर हेल्प इज द ऑप्शन। फिफ्थ मिस्टेक जो बहुत बड़ी मिस्टेक है, और दिस इज द मेगा मिस्टेक जो मैं देखता हूं, एंड दैट इज नॉट लर्निंग हाउ टू डिबग इफेक्टिवली। ठीक है, तो डिबगिंग का मतलब क्या होता है? डिबगिंग का मतलब होता है कि जो कोड आपने ऑलरेडी लिख रखा है, उसको उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है वो ढूंढना और उसको इम्प्रूव करना। और एक मैं आपको रियलिस्टिक बात बताता हूँ कि जब आप एक डेवलपर बनते हो, तो डेवलपर बनने के बाद आप
बहुत सारा समय, मेजोरिटी ऑफ टाइम आप नया कोड नहीं लिखोगे। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपके पास ऑलरेडी कोड होगा जिसको आप डीबग कर रहे होंगे। तो अगर आप बड़ी कंपनीज में जाते हो, उनके पास बहुत सारा कोड होता है, उसमें नए फीचर्स ऐड करने होते हैं, उसमें नई चीजें ऐड करनी होती, तो आपको उस कोड को पढ़ना आना चाहिए, कोड को डीबग करना आना चाहिए, कोड को रीड करना आना चाहिए। और एक और चीज मैं बोलता हूं कि अगर आप कोड को रीड कर सकते हो, कोड को समझ सकते हो, तो आप कोड को लिख भी सकते हो। तो जो डीबगिंग है वो बहुत बड़ा स्किल सेट है, और अगर आप डीबगिंग सीख लेते हो तो यू कैन डू वंडर्स। और डीबगिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, डीबग कैसे करना है, इवन आई हैव टॉट सो मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू डीबग इफेक्टिवली। सो गाइस, दैट्स हाउ यू डू इट, एंड दीज आर द 5 मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए। टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। एंड गाइस, मेक श्योर यू चेक आउट द फ्री ट्रेनिंग, इट विल गोना हेल्प एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर डेवलपमेंट जर्नी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल गोना सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।